मेरे साथ सुकेश रंजन है। सुकेश जी, एक ट्वीट अभी थोड़ी देर पहले आया है, हालांकि अपराजिता से इस सवाल में लूंगी, अपराजिता जी से। देयर वाज अ चाइल्ड हु फेल्ड इन ऑल हिज एग्जाम्स, ये पढ़ देती हूँ मैं दर्शकों के लिए भी। ही वॉज हेटेड बाय हिज क्लासमेट्स एंड नेबर्स, सो द पेरेंट्स थॉट ऑफ चेंजिंग हिज नेम टू चेंज हिज परसेप्शन, इजंट द केस सिमिलर टू दैट ऑफ इंडिया। सुकेश जी, अपराजिता जी के पास इस पर मैं जाऊँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये पूरा ओवरऑल डिस्कशन जिस तरफ जा रही है, चर्चा जिस तरफ जा रही है, सबने अपनी अपनी बात कह ली है, अब मुझे बताइए कि क्या हम लोकतंत्र की बेहतर सेहत में ऐसे किसी भी तरह के बयान और ऐसी किसी भी तुलना की अपेक्षा कर सकते हैं? ऐसा बयान क्यों आया है? चूंकि आपने एक लीड दे दिया मुझे कि जेपी नड्डा साहब का ट्वीट आया है। वो ट्वीट बताता है कि ये जो इंडिया नाम रखा गया, वो पहले दिन से ये कोशिश थी और विपक्ष ने ये नाम इसलिए सोच कर रखा था कि एक नैरेटिव बिल्डिंग में अच्छा रहेगा कि आप जो भी कहेंगे उसको इंडिया के खिलाफ माना जाएगा, तो वो थोड़ा परेशान कर रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं है, बहुत आराम से इस बात को मान लेना चाहिए। 24 तक ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जो है वो किस स्तर पे जाएगी, उसकी वानगी आज देखने को मिलती है। किसी भी राष्ट्रीय दल को या एक गठबंधन को, और हर बार की तरह केसी त्यागी जी ने कुछ बातें मेरी पहले कह दी, उनका टर्न हमेशा पहले आ जाता है मुझसे, कि इसमें करीब 8-10 दल ऐसे हैं जो एनडीए के साथ रह चुके हैं। एब्सोल्युटली। तो किसे कह रहे हैं वो? उनका इशारा किस तरफ है? अपराजिता जी ने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया ह्यूम ने 1885 में। माफ कीजिएगा अपराजिता जी, जिनको आपने आजकल कोऑप्ट करने की कोशिश की है, सरदार पटेल 1931 में कराची के सेशन में वो इसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। जिस राजघाट से लेकर अमेरिका जाते हैं प्रधानमंत्री, जिस महात्मा के आगे शीश नमाते हैं, वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं इस पार्टी के। और मैं आपको एक बयान में कितनी बार कह चुका हूं, लेकिन आज शायद मुफीद वक्त है फिर से याद कराने का। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी को कहते सुना पार्लियामेंट में, और मैं पढ़ के सुनाता हूं। सोनिया गांधी जी ने विपक्ष के नेता के तौर पे उनके बारे में कहा था, उनकी सरकार के बारे में, द बीजेपी गवर्नमेंट हैज सोन इटसेल्फ टू बी इनकॉम्पिटेंट, इनसेंसिटिव, इररिस्पॉन्सिबल एंड ब्रेजनली करप्ट। वाजपेयी जी बहुत दुखी हुए, बहुत क्रोध था उनके अंदर, तो उन्होंने कहा अपने जवाब में, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पे चल रहा था भाषण, केसी त्यागी जी को और संजय निरुपम जी को याद होगा, दोनों संसद में रह चुके हैं। वाजपेयी जी ने अपने भाषण में जवाब में कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में इसी देश में जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दशकों से काम कर रहा है, उनके बारे में ये मूल्यांकन है आपका? मतभेदों के प्रकट करने का यह तरीका है आपका? माफ कीजिएगा अपराजिता जी, अपने किसी पॉलिटिकल एडवर्सरी को यह संज्ञा देना, यह इंडियन मुजाहिदीन है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, बैंड ऑर्गेनाइजेशन से उसकी तुलना करना, क्या यह खिसियाहट है क्या, जिसकी तरफ जेपी नड्डा इशारा कर रहे हैं? जेपी नड्डा कह रहे हैं कि कोई लड़का फेल हो जाए, नेबर उसको एक्सेप्ट ना करे और उसका नाम बदल दिया जाए तो परसेप्शन बदल जाता है। तो क्या इस इंडिया ने आपको इस कदर परेशान कर दिया है कि जो प्रधानमंत्री सदन में ये बात कह चुके हैं कि एक अकेला काफी है और ये सब हमारे सामने खड़े हैं, ये सब हमसे लड़ने आ गए, क्या ये उसकी तरफ इशारा करता है कि ये इंडिया परेशान करने लगा है? क्या एक मजबूत विपक्ष जो 14 में नहीं दिख रहा था, 19 में शेप नहीं ले पाया था, क्या वो पटना से जो गाड़ी चली है और जिसको आगे मुंबई तक जाना है, क्या उसने परेशान कर रखा है? क्योंकि आपने भी एक गठबंधन बनाया 41 दलों का गठबंधन। अपराजिता जी, अब दो प्रश्न यहां से उठते हैं जो सुकेश जी कह रहे हैं। पहली चीज तो जेपी नड्डा का जो ट्वीट है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो ये दिखा रहा है कि परसेप्शन बदल जाता है नाम बदल जाने से, तो क्या ये भय है क्या? ये मैं बड़े सीधे से आपके पाले में गेंद डाल रही हूँ, जवाब आपसे नहीं बदलता नाम बदलने से, परसेप्शन नहीं बदलता नाम बदलने से, पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न उठाया कि जितनी भी पार्टियां अभी स्पेशल 26 में नजर आ रही हैं, इधर महाजुटान विपक्ष का जो हुआ उसमें नजर आ रही हैं, उनमें से बहुत सारे चेहरे तो आपके साथ रह चुके हैं,
और जिन जिन तमाम पार्टियों पर देश के प्रधानमंत्री ने भोपाल की रैली में प्रश्न उठाया, वो भले एनसीपी हो या भले और पार्टियां हो, उनके कुछ चेहरे आपके साथ हाल फिलहाल में शामिल हो गए। अजीत पवार उधर महाराष्ट्र में चले गए हैं। तो अपराजिता जी, बड़ी गंभीरता से जवाब चाहती हूं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की बात का प्रश्न है और लोकतंत्र की साख का प्रश्न है। और एक जोड़ देता हूं गरिमा जी, वो अजीत पवार, उस पार्टी के अजीत पवार अपराजिता जी, जिनके बारे में 3 दिन पहले प्रधानमंत्री भोपाल में कहते हैं कि 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार में सने हुए, नेचुरली करप्ट पार्टी, अब आपके साथ आ गए तब वो ठीक है, बाकी जो आपके सामने खड़ा है वो इंडियन मुजाहिदीन है। और उसी एनसीपी के साथ नागालैंड में गठबंधन भी हो जाता है जी। अपराजिता जी, बहुत सारे सवाल हैं आपकी तरफ। हम सबको जी, हाँ, नहीं कोई बात नहीं, हम सबको परिपेक्ष समझना होगा, परिस्थिति समझनी होगी, किस परिस्थिति में प्रधानमंत्री जी ने ऐसी बात कही। पहले तो मैं कह दूं कि प्रधानमंत्री जी किसी भी विपक्षी दल के व्यक्ति या सदस्य को घृणा नहीं करते हैं, उनका विरोध नहीं करते हैं, वो विरोध करते हैं जो भारत के विकास यात्रा में अवरोधक है। पार्लियामेंट को, संसद को चलने नहीं देना और तर्क के साथ अगर चलने ना दिया जाए तो ठीक है, समझ में आता है, इलॉजिकल, इरेशनल। सूत्रपात करने वाले विभागीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी मौजूद हैं, वो चाहते हैं कि सूत्रपात हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो डिस्कशन को इनिशिएट नहीं करेंगे, सूत्रपात तो विभागीय मंत्री करेंगे। लेकिन ये जो लोग हैं विपक्षी दल, ये 31 बिल को ठीक ढंग से पास होने नहीं दे रहे हैं, तो यह मुझे आप बताएं, ये विकास में अवरोध नहीं है? भारत देश सारी आगे बढ़ना प्रासंगिक और सारी एक बातें एक बड़ी बिल, जरूरी एक एक बिल बहुत महत्वपूर्ण होता है। आ जाए इंडियन मुजाहिदीन बीच में, आ जाए पीएफआई बीच में, आ जाए, बस यहाँ से गरिमा खत्म होती है। इसी पर आपत्ति, इसी पर एतराज और इसी पर अपेक्षा। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जिन्हें देश को आगे ले जाना है, सबका साथ उन्हें चाहिए, वो बार बार इस बात को कहते हैं। और इसमें अगर इस तरह के लोग अवरोध पैदा करेंगे तो निश्चित तौर पर यह जो एक गुस्सा है या जो एक दुख है, निश्चित तौर पर निकलेगा। मैं कह दूँ दूसरी बात, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट किया, मैंने भी पढ़ा है, 6 मई 2004 यूपीए का गठन हुआ था, ठीक जनरल इलेक्शन के बाद यूपीए का गठन हुआ था, यूपीए 1 का। और अभी कितने साल हुए? करीबन 19 साल हुए, नवकलेवर हो गया, क्योंकि उन्हें आत्मविश्वास नहीं है कि अगर हम यूपीए को लेकर ही चले, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस में ही अगर ये 26 दल रहे और हम चले, तो कहीं ना कहीं शिकस्त निश्चित तौर पर मिलेगी। और ये जो नाम बदलना, नाम परिवर्तित करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये आत्मविश्वास की कमी को परिलक्षित करता है। और यही आपके खेमे को भी परेशान कर रहा है। अपराजिता जी, मैं आ रही हूँ, केसी त्यागी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर, अपराजिता जी, इसी गैर जिम्मेदार विपक्ष ने परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में रेल चलाई थी, रेल मंत्री रहे थे, रक्षा मंत्री रहे थे, सिविल एविएशन मिनिस्टर रहे थे, एनडीए के संयोजक रहे थे, कृषि मंत्री रहे थे, विदेश मंत्री रहे थे और हैवी इंडस्ट्री के मिनिस्टर रहे थे। इन्हीं पार्टियों के नेता जो आज गैर जिम्मेदार कह रही हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी को इन सब पर गर्व था, चाहे नीतीश कुमार थे, चाहे ममता बनर्जी थी, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस थे, चाहे प्रकाश सिंह बादल थे, उनको गर्व था इन पर। आज आपको अफसोस क्यों होने लगा? और हम वो हैं जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाने में मदद की थी, कोई नहीं था आपके साथ, 14 दिन के बाद वापिस आ गए थे, जॉर्ज फर्नांडिस था, नीतीश कुमार था, प्रकाश सिंह बादल थे, उस समय हमारे मित्र संजय निरुपम जी की पार्टी थी और कई दल थे, और आज हम गैर जिम्मेदार हो गए। ये भाषा अटल बिहारी वाजपेयी की, पंडित नेहरू की नहीं थी, वो असहमति रखते थे, वो अलग राय रखते थे, वो दुश्मन नहीं मानते थे। ये भाषा जो टकराव की है, मैं बहुत गरिमा के साथ गरिमा जी कहना चाहता हूँ,
अगर ये अब है चुनाव आते आते क्या होगा, हमें पाकिस्तानी, हमें चीन का, हमें म्यांमार का नागरिक ही घोषित कर दिया जाएगा। हम तो उन नेताओं के साथ रहे हैं, जयप्रकाश जी के मंच पे था मैं, इंदिरा जी से असहमति थी, जरा मेरी बात सुन लीजिए। 1977 में जब रामलीला मैदान में मीटिंग हुई है अपराजिता जी, इंदिरा जी पराजित हो गई, जयप्रकाश जी चिट्ठियों का एक पुलंदा लेकर के इंदिरा जी के पास गए और जाके कहा कि ये चिट्ठियां मिसयूज हो सकती हैं जो कमला नेहरू को प्रभाजी ने लिखी हैं, लिहाजा चिट्ठी मैं दे रहा हूँ। चंद्रशेखर जी गए इंदिरा जी के पास कि मुझको मकान नहीं दे रहे, वो जाके अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, अपने प्रधानमंत्री से लड़ते हैं कि नहीं इंदिरा जी को मकान दीजिए। हम तो उन परंपराओं में रहे हैं, आप कैसी परंपरा डालना चाहते हैं? हम आपके मित्र हैं, आपके विरोधी हो सकते हैं, आपसे असहमति रख सकते हैं, ना तो देश के दुश्मन है ना आपके दुश्मन है, हम इंडिया हैं, हम भारत हैं, जिसमें सबको गर्व करना चाहिए, सबको गर्व करना चाहिए। मैं अपराजिता जी बस ये सारे जितने भी सवाल केसी त्यागी जी पूछ रहे हैं मैं लेकर आपके पास आ रही हूं, लेकिन संजय जी क्या मैं फिर से ये कहती हूँ कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से सवाल करना एक पत्रकार की जिम्मेदारी और यही निष्पक्षता की पहचान। इसीलिए संजय जी राहुल गांधी लंदन जाते हैं और अलग अलग मंचों पर बैठकर देश के लोकतंत्र को एक तरीके से पूरी तरह से बताते हैं कि निस्तनाबूत है लोकतंत्र, मृत है लोकतंत्र, मर गया है, डेमोक्रेसी इज डेड, और भी तमाम चीजें कहते हैं। तो क्या विपक्ष को भी कहीं ना कहीं वाकई इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत संजय जी है? आज हम बैठे जरूर हैं इस मुद्दे पर कि इंडियन मुजाहिदीन कहना, पीएफआई कहना गलत है, सही है, जायज है, नाजायज है, लेकिन क्या विपक्ष भी उस राजनीति के स्तर को बनाए रख पा रहा है कि भैया देश के बाहर, देश की विदेशी सरजमीन पर इस तरह की बातें ना कही जाए जिससे भारत के लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचे? और ये वैसा वर्षा चल रहा है क्या संजय जी? ऐसा है गरिमा जी, ये आपने जो सवाल पूछा ना, ये इस बुनियादी तौर पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना घिसा पीटा और खतरनाक नैरेटिव है। विदेशों में जाएं या कहीं भी, कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में अगर जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा, उसके ऊपर अपनी बात रखेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहा है। हिंदुस्तान के वर्तमान सत्ता का कामकाज कैसा चल रहा है अगर इस पे सवाल पूछा जाएगा तो कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि वो लंदन में या अमेरिका में है, इसलिए बोलेगा नहीं बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा हो नहीं सकता है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जब भी राहुल जी ने एक आध बार इस तरह की बातें कही लंदन में या यूएस में तो बोला कि देखो तो ये जो पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ बात करे, हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं करे, जिस देश में उनके तमाम पूर्वजों ने अपनी आत्माहुति दी है, जिस कांग्रेस ने, जिस गांधी नेहरू परिवार ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया हिंदुस्तान के लिए, वो कभी हिंदुस्तान के खिलाफ सोच सकता है? हाँ, हिंदुस्तान में जिसकी आज सत्ता है अगर वो हिंदुस्तान को बचाने में फेल हो रहा है तो निश्चित तौर पर ये बातें बाहर आएंगी, चाहे हिंदुस्तान के जमीन पर या बाहर के सरजमीन पर, जहां पर भी जाएंगे वो रहेगी बात। बार बार बीजेपी एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रही है कि यूपीए को इन्हें नाम बदल दिया। अरे भाई, यूपीए एक ऐसा गठबंधन था जिसमें बहुत सारी पार्टियां जो आज है वो हमारे साथ नहीं थी, और जो नई नई पार्टियां आई हैं, चाहे नीतीश कुमार जी की पार्टी हो या शिवसेना हो, अगर इन पार्टियों का आग्रह ऐसा बनता है कि इस गठबंधन का एक नया नाम दिया जाए तो इसमें क्या तकलीफ है? हमने यूपीए नाम बदल दिया तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे मातम मना रही है जैसे इनके घर का नाम बदल दिया, इनके संगठन का नाम बदल दिया। तो कृपया करके इस प्रकार की बेबुनियाद बातें करना बंद कर दे। हम प्रधानमंत्री जी से क्या मांग रहे हैं? हम कोई विकास में अवरोधक नहीं है, हम विकास में कोई रुकावट पैदा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि मणिपुर जैसा एक संवेदनशील प्रांत जो लगभग 80 दिनों से जल रहा है उस पर चर्चा होनी चाहिए। आप नियमों के आड़ में बिना वजह उसको अवरोध पैदा कर रहे हैं उसके अंदर। अब बार बार वो जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात आ रही है, बिल्कुल राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुद्दे पे भी आप चर्चा करिए, लेकिन जो अभी बीजेपी की प्रवक्ता महोदया कह रही थी कि हम विकास में अवरोधक, इसलिए प्रधानमंत्री जी नाराज हैं, 77 दिनों तक प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पर जुबान नहीं खोली, चुप्पी साध के रखे थे। तब क्या विपक्ष विकास के किसी दौड़ में, किसी रेस में अवरोधक बन करके खड़ा था? जी नहीं। पता नहीं क्या कारण है कि प्रधानमंत्री मणिपुर से ना मुंह छुपा रहे हैं,
क्या कारण, ये तो प्रधानमंत्री जी को मालूम होगा। क्या चीन से डर लग रहा है या म्यांमार का जो कोई ड्रग्स को लेकर के उसमें कोई इंटरेस्ट है उसको लेकर उनको कोई घबराहट है? क्या हिंदुस्तान की कुछ ताकतें जो उनके ऊपर दबाव डाल रही हैं कि आप मणिपुर के ऊपर मत बोलिए, चुप रहिए, अगर बोलना है तो पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर 36 सेकंड बोल के चलते बन गए? मुझे नहीं मालूम है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है कि आपका एक सीमावर्ती देश जल रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री, आप बहुत राष्ट्रवादी सोच रखने वाले प्रधानमंत्री, आप हमेशा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की बात करते हैं। आपने एक ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल पॉलिसी बनाई थी, आपने खुद दावा किया मैं 50 बार 60 बार दौरा कर चुका हूं, मेरा स्पेशल अटेंशन नॉर्थ ईस्ट के ऊपर है। और आज जब नॉर्थ ईस्ट में आग लगी है तो आप चुपचाप क्यों हैं? अब बात बात पे अपोजिशन के पाले में गेंद डाल के अपनी चमड़ी क्यों बचा रहे हैं, अपने आप को क्यों बचा रहे हैं? ये हमारा सवाल है। और सिर्फ मेरा या कांग्रेस का या इंडिया का नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों का सवाल है कि प्रधानमंत्री जी आप चुप क्यों हैं? आप इस विषय पर संसद में, जो लोकतंत्र का मंदिर है, लोकतंत्र का सबसे, भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा केंद्र है जिसकी तरफ पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों की नजर रहती है, उस पर आप चर्चा क्यों नहीं कराते? ठीक है, पहले भी बोल दिया आपको, प्रधानमंत्री चाहे तो अपना बयान जारी कर सकते हैं, और बयान को चेक करने नहीं आ रहा है, और उन बयानों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। राज्यसभा में क्लैरिफिकेशन पूछने का एक रूल है, लोकसभा में स्पेशल केस करके उस पर क्लैरिफिकेशन दीजिए, सबको बोलने का मौका दीजिए, सबको बोलने का मौका दीजिए। ठीक है अपराजिता जी, अपराजिता जी, अभी केसी त्यागी जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही और मैं उसी से इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ आपसे, मैं अपेक्षा करती हूँ कि कम से कम बड़ा गंभीर और बड़ा निष्पक्ष जवाब आप मेरे दर्शकों को देंगी। नीतीश कुमार आपके साथ थे, एनडीए में अभी चिराग पासवान शामिल हुए, वो भी घाट घाट का पानी पी चुके हैं, उनके पिताजी रामविलास पासवान जी जो हैं वो यूपीए में कभी हिस्सा रह चुके हैं, एनडीए का भी हिस्सा रह चुके हैं, कभी यूपीए चले गए कभी एनडीए चले गए। इसके अलावा और भी बहुत सारे दल, मैं अजीत पवार का भी जिक्र करूंगी, मैं तमाम उन लोगों का जिक्र करूंगी जो विपक्ष के साथ ही रह चुके हैं लेकिन अभी आपके साथ है। तो ये परसेप्शन का खेल अगर सियासत में चलता है और एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर अगर ये चलता है तो स्वीकार कीजिए, और स्वीकार इस बात को भी कीजिए कि जितने भी दल आपके साथ हैं वो कभी आपके विरोधी थे या फिर जो अभी विरोधी है वो कभी आपके साथ थे। तो क्या देश की पार्टियां विरोधी हो जाने से या साथ हो जाने से, दूर चले जाने से या पास आ जाने से क्या ये परसेप्शन भी बदल जाता है? क्या वो आतंकवादी इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि दूर चले गए और इसीलिए पाक साफ हो जाते हैं कि साथ आ गए? देखिए, आपने अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया गरिमा जी, और निरुपम साहब ने भी दे दिया। हमने पहले भी कहा, अभी भी कहूंगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी विकास के अवरोधक के विरुद्ध में खड़े हैं, कोई भी हो वो, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन ऐसा है कि जो भारत की विकास यात्रा में अवरोध पैदा करेंगे वो किसी भी दल का हो, आज इस दल का हो उस दल का हो, राजनीति में आना जाना लगा रहता है जी। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो अवरोधक है निश्चित तौर पर उनके विरुद्ध में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहने का पूरा अधिकार है, और मुझे लगता है जो भी उनकी सोच है उसका मैं आदर करती हूँ। मैं कह दूँ कि अंग्रेजी में एक अभिव्यक्ति है, बैक टू स्क्वायर वन, कहीं ना कहीं लग रहा है हम बैक टू स्क्वायर वन आ गए, संसद में हम चल नहीं पा रहे हैं, संसद नहीं चल रही है, हल्ला हो रहा है, हंगामा हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है। कहना ये है, पहली बात मैं कह दूं कि सरकार चर्चा चाहती है, सरकार के पास मणिपुर संबंधित सारे उत्तर मौजूद हैं, मैं बहुत ही स्पष्टता के साथ कहना चाहती हूँ, जिसके मन में जितनी शंकाएं हैं निश्चित तौर पर उपस्थापित करें, हमारे गृह मंत्री जी जो विभागीय मंत्री हैं और पार्लियामेंट्री प्रोसीडियर कहता है कि उन्हें ही खड़े होकर पहले जवाब देना है, सूत्रपात तो हो, उसके बाद बातें चलेंगी, और उसके बाद अगर होगा तो बाद में क्या होता है वो तो हम सब देखेंगे, अगर प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो बोलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये गंभीरता से मणिपुर की विषय को नहीं लेना चाहते हैं, एक दूसरा ये विषय से भाग रहे हैं, ये खुद भाग रहे हैं, बार बार हम कह रहे हैं जी।